नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि 49,000 SBI अकाउंट में था और उसको होल्ड कर दिया गया उस अमाउंट को। बड़े दुख की बात है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, ना हो इसका उपाय आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको बचना है, जानना है, आपका रखा हुआ पैसा होल्ड ना हो, ब्लॉक ना हो, फ्रीज ना हो, तो इस वीडियो को आप आधा मत देख के पूरा देखना। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो यहाँ पे SBI अकाउंट में 49,000 रुपए था और इसको होल्ड कर दिया गया फ्रॉम साइबर क्राइम। बट यहाँ पे 49,000 होल्ड हुआ, किसी का 10 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 50,000, किसी का 80,000, किसी का 1 लाख। इस तरीके से अकाउंट को होल्ड किया जा रहा है, अमाउंट को भी होल्ड किया जा रहा है। अब लोग परेशान है कि भैया हमारा पैसा है, हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बैंक में जाते हैं तो बैंक बोलते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, जाएं तो जाएं कहां। यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबके साथ नहीं, बहुत लोग के साथ हो रही है। बट फिर यहाँ पे ना बैंक की गलती है, ना साइबर क्राइम की गलती है। क्यों, चलिए मैं बताता हूँ। फिर आज के टाइम में इतना अधिक फ्रॉड बढ़ गया है कि लोग एक दूसरे का पैसा मार के खा के बैठ जा रहे हैं, और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उस पर रिपोर्ट किया जा रहा है, और रिपोर्ट पे जिसका अकाउंट लिंक है, जहां पे पैसा गया है, उसको होल्ड फ्रिज कर दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है। बट अब बचे कैसे? तो हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान पे QR कोड लगा के बैठे हैं। कोई आया, मैं आपको 1,000 रुपया डाल देता हूं, आप मुझसे 50 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना, हमको 950 रुपया दे देना। तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा कि चलो हमको 50 रुपया मिल रहा है, वो 950 दे देगा। अब वो जो 1,000 रुपया सामने वाला पार्टी डालेगा, वो कहीं ना कहीं चीटिंग किया होगा, किसी का पैसा लिया होगा। तो अब होगा क्या, उसका अकाउंट तो फ्रीज होगा ही, वो आप में डाल रहा है, आपका मल्टीपल फ्रीज होगा, पैसा उसने कैश ले लिया, आप क्या करोगे? वो तो अकाउंट फ्रीज होगा, वो तो जानता है, बट लालच बुरी बला है। एक पर्सन ऐसा था जिसने 10,000 रुपए के पीछे 1,000 रुपए कमाए। हुआ क्या कि 1,000 रुपया एक पर्सन ने उनको एक्स्ट्रा दिया और 10,000 रुपए अकाउंट में डाल दिया, बोला कि 9,000 रुपए आप हमको दे दीजिए, 1,000 रुपए हम आपको देते हैं। तुरंत लालच जाग गया, पैसा दे दिया। बता रहे हैं कि करीबन 2 से 3 दिवस के अंदर अकाउंट को होल्ड कर दिया गया। पैसा बहुत सारा था, लगा बैठ कर रोने की भैया हम क्या करें, हमारा तो रखा हुआ पैसा काम में नहीं आ रहा है, हमारा अमाउंट तो होल्ड कर दिया गया, हम क्या करें। जब इसका जांच हुआ तो केस गया सारो पुलिस के पास। टाइमिंग लगा हमारे, मतलब कि 2 साल तक का टाइमिंग लगा। बहुत दौड़े, बहुत परेशान है, वहां वहां करने के बाद सेटलमेंट हुआ, तो जाके अकाउंट को अमाउंट जो है रिसीव हुआ, अभी होल्ड हटा। तो दोस्तों ये लालच करना बंद कर दो। QR कोड अगर आप लगाए हो, कोई अगर आपके QR कोड पे स्कैन करता है, आपको पहचान बता रहा हूं, अगर कोई लड़का 17 साल से लेके 25 साल के बीच का है, तो उससे आप QR कोड से पैसा कम लें। इसका वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको एक मैं हिंट दूंगा। अगर कोई पर्सन 30 साल 35 साल के 40 साल के समथिंग है, तो उससे आप लेंगे उतना आपको दिक्कत नहीं होगा। एक वजह बता रहा हूं, क्योंकि ये जो इस स्पैम और फ्रॉड किए जा रहे हैं, एक कम उम्र से लेके और 25 26 27 साल के अंडर में ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग थोड़ा से पढ़ाई कर ले रहे हैं, कुछ सीख ले रहे हैं, कुछ फ्रॉड करने का तरीका, और ये लोग कर रहे हैं। अब जिनकी उम्र ज्यादा होगी भैया, तो पहले के टाइम में तो फ्रॉड वाली पढ़ाई तो होती नहीं थी, अब ये फ्रॉड वाली पढ़ाई चालू हो गई ना, तो आप दिमाग लगाइए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यही चीजें हैं, तो आपको बच के चलना है, और ऐसे ही लोगों से पैसा आपको लेना नहीं है जो आपको लालच देते हैं, समझे ना। तो बाकी अपने दुकान पे कैमरा जरूर लगाएं, बड़ा अमाउंट रिसीव करें, आधार नंबर जरूर लिखें, साइन जरूर लें जो कि आपको काम देगा, और आधार कार्ड की कॉपी जमा करें जो आपको बड़ा अमाउंट देने की बात करते हैं। तो ये पैसा फंस गया है, ये जल्दी इनका अनफ्रीज नहीं होगा। आप नाक रगड़ लो, कुछ भी कर लो, जल्दी मिलने वाला पैसा नहीं है। आप सेटलमेंट करोगे तभी ये मैटर क्लियर होगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेहरू साहब, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।